बिग बॉस के किस एक्स कंटेस्टेंट ने कर दी है अर्चना की तारीफ और उनको बताया है कि वो आगे चल के अच्छी बहू बनेगी, एकदम भरपूर सेवा भाव वाली। कौन है ये, किसने कही ये बात, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूस। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा है कि खाना बनाती हैं, वैसे तो किचन में बहुत लड़ाइयाँ करती हैं अर्चना। उनके ज्यादातर लड़ाई किचन में ही होता है, चीजों को लेकर, खाने को लेकर, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब चीजें चलती रहती हैं। और पर खाना भी बनाती हैं और बहुत ही एकदम हर काम करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिग बॉस के घर में तो वो थोड़ा काम को लेकर ज्यादा चिक चिक करती होंगी, लेकिन अपने घर में नहीं करती होंगी इतना, वो काम कर लेती है। अब आपको बता दूं कि कल आई थी, शिव की आई और उनको कहती कि आप बस 5 मिनट दो, 5 मिनट मुझे दो, मैं खाना बना के ला रही हूँ आपके लिए, कुछ ना कुछ बना कर लेकर आ रही हूँ। और फिर बना कर लाती है और जो सेवा भाव करती है, चाहे वो फरा हो या शिव की आई हो, जो सेवा भाव करती है वही देख कर, जी हाँ वही देख कर, आपको बता दूं कि जो राहुल वैद्य हैं बिग बॉस सीजन 14 के रनर अप राहुल वैद्य, वो जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा बाकी जो भी हो जैसी भी हो, भाई अर्चना जो है बहू कमाल की बनेगी, भरपूर सेवा भाव वाली। तो इस पर ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर लोग क्या कुछ रिएक्शन करें। कुछ लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, अर्चना बहुत अच्छी है, अर्चना दिल की बहुत साफ है, भले लड़ाई करती पर दिल उसका अच्छा है और खाना बहुत अच्छे से बनाती है, सबकी सेवा करती है, आपने सही बोला बहू अच्छा बनेगी, शिव और अर्चना की बॉन्डिंग अच्छी लग रही है। लेकिन कोई ये कह रहा है कि राहुल भाई खाने से पेट भरता है और वो तानों से पेट भरती भर देती है, कि मतलब लोगों का ये कहना है कि वो ताना बहुत देती है और खाना से तो पेट भरती पर ताने भी उसके रहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कही जा रही है अर्चना को लेकर, अर्चना की बातों को लेकर। पर जो राहुल वैद्य, उन्होंने तो बता दिया कि बहुत अच्छी बहू बनने वाली है और ज़्यादातर लोग एग्री करते हुए नजर आए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा लफड़े लड़ाइयाँ जो हैं वो किचन के अंदर ही हुई हैं, किचन को लेकर ही हुई है, खानों को लेकर ही हुई है। तो ये सारी चीज़ें जनता द्वारा रिएक्शन सामने आया है। अगर मैं आपसे पूछूँ आपके हिसाब से, ऐसा तो ये कोई मुद्दा है नहीं, पर क्या आप राहुल वैद्य के ट्वीट से एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि हाँ वो आगे जाके अच्छी बहू बनेंगी, वो अच्छी बहू बन सकती हैं, और जो भी इन्होंने बातें कही आप कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं और क्यों करते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फोर्स।